थ्री लिटिल पिग्स, लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ। सो बच्चों, कल हमने पढ़ा कि तीन जो छोटे वाले सुअर थे वो अलग अलग घर में रहते थे, है ना, तिनकों के, बांस के और ईंट के। अब कहानी आगे आपके पेज 8 पे ही है, दूसरा पैरा शुरू हो रहा है फोटो के बाद में। लेट्स रीड इट। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू'स हाउस। एक दिन एक बड़ा भेड़िया सोनू के घर आया। देखो भेड़िया की फोटो बनी हुई है ना, उसका पिक्चर देखो कितना बड़ा है, देखने से डर लग रहा है ना। ओके, ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा मैं तेज फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। सो उसने एक तेज फूंक मारी और घर को नीचे गिरा दिया। आओ बच्चों, अब हमने जो पैरा नंबर 2 पढ़ा ना, उसकी हम हिंदी और इंग्लिश साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनू'स हाउस। एक दिन सोनू के घर एक बड़ा बुरा भेड़िया आया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उन्होंने कहा मैं बहुत भारी सांस छोड़ दूंगा और मैं आपके घर को उड़ा दूंगा। बेटा बहुत भारी सांस छोड़ने का मतलब है फूंक मारना जोर से। हम बर्थडे पे कैंडल लगाते हैं तो फूंक मारते हैं ना, तो कैंडल बुझ जाती है, वैसे, ठीक है। भारी सांस छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी फूंक मारना। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। इसलिए उसने एक गहरी सांस छोड़ी और घर को उड़ा दिया। सो किसने गहरी सांस छोड़ी? भेड़िये ने, ठीक है। और किसका घर टूट गया? सोनू का, ठीक है बेटा, ये याद रखना। सोनू का घर तिनके का था, भेड़िये ने सांस छोड़ी और उसका घर टूट गया।